रेडी एवरीबडी रेडी स्टार्ट कैमरा एक्शन। इसे काहे मारा? वेदों के अनुसार राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। तुम्हारे लड़के को हमने बार बार समझाया, प्रजा का रक्षण करो भक्षण नहीं, पर वो नहीं माना, इसलिए हमको उसका वध करना पड़ा। दो कौड़ी का मजदूरवा के लिए तू हमारे बेटे को मार दिए? एकदम गलत। मजदूर हो या राजा, खून सबका एक ही होता है। हमारी बात याद रखना वरना बेटे कहाँ कर लोगे? एक छोटी सी चिंगारी ने ऐसी आग भड़का दी जिसमें दो शाही घराने झुलस कर राख हो गए। एक समय में दोस्त रहे दोनों शाही घराने एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस दिन के बाद से कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई लाश न गिरती हो, कोई औरत विधवा न होती। समय बदला, राजा बदले, नियम बदले, नहीं बदला तो सिर्फ मौत का नंगा नाच। लोग मरते रहे और चिताएं जलती रहीं। इस नरसंहार से तंग आकर होम मिनिस्टर ने दोनों शाही घरानों में सुलह कराने की कोशिश की। देखिए, आप दोनों परिवार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 70 साल से चली आ रही आप लोगों की दुश्मनी ने हजारों जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया है। इस 50 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी परिवार यहाँ शादी नहीं करवाना चाहता। मौत के खौफ से यहाँ के सारे लोग चैन से सोना भूल गए। का मतलब? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप ये खून खराबा बंद कर दीजिए। साल में आप 2 दिन लड़ने के लिए निश्चित कर लीजिए। मैं फसल कटने के बाद संक्रांति के 2 दिन युद्ध के लिए निर्धारित करता हूँ। उन दिनों में ना तो पुलिस ना प्रशासन आपके बीच आएगा। लेकिन आप दोनों एक बात याद रखिएगा कि इन 2 दिनों की लड़ाई में जो भी जीतेगा वो परिवार पूरे 1 साल तक बिना रुकावट इस क्षेत्र पर राज करेगा और उस पूरे साल में इस क्षेत्र में किसी का भी खून नहीं बहेगा। मुझे लगता है इससे बेहतर निर्णय नहीं हो सकता। हमारे क्षेत्र के लोगों को भी चैन से जीने का पूरा हक है। मैं आपसे सहमत हूं मंत्री जी। ए, ना हम तो है चैन से जीने दे और ना ही मरने दे। सूर्यवंशियों के पूरे खानदान को खत्म करने के लिए 2 ही दिन काफी हैं। हम भी सहमत हूं। तो आज के बाद ये निर्धारित हुआ कि संक्रांति के 2 दिन पहले आप लोग एक दूसरे को युद्ध के लिए आमंत्रित करोगे। युद्ध के दिन जो परिवार नहीं आएगा वो हारा हुआ माना जाएगा और जीता हुआ परिवार पूरे साल क्षेत्र पर राज करेगा। और आज के बाद इस नियम को कोई नहीं तोड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार। दिन हुए निर्णय के बाद से हर साल संक्रांति को खूनी खेल खेला जाता है। सूर्यवंशी परिवार हर साल इस युद्ध को जीतता रहा, लेकिन उन्हें इस जीत की कीमत परिवार के लड़कों की आहुति देकर चुकानी पड़ती थी। और अब इस परिवार में एकमात्र मर्द बचे थे, सूर्य प्रताप। युद्ध का आमंत्रण भेज दीजिए पंडित जी। जजमान, आप आखिरी सूर्यवंशी राजा बचे हो। यदि इस युद्ध में आपको कुछ हो गया तो ऊ चंद्रवंशी जल्लाद पूरे साल इस क्षेत्र के लोगों का जीना हराम कर देगी और उसका सारा दोष आप ही के सर आएगा। साहब, साहब मार्गिन हॉस्पिटल में बिटवा को जन्म दे रही हैं। हमारा राजकुमार आगवा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, राज का उत्तराधिकारी आगवा। ससुर जी, बेटा कहाँ है?
बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। भगवान ने खुशी भी कैसी दी है, मरी हुई खुशी अपनी किस्मत में, किस्मत में, किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। इस बारे में वसुंधरा जानती है? नहीं दामाद बाबू। उत्तराधिकारी आ गया। ये पैदा हुआ है शत्रुओं का नाश करने के लिए। भगवान की तरफ से भेजा गया ब्रह्मास्त्र है ये। आज के बाद से हम सबको ये भूल जाना होगा कि मुझे कभी कोई बेटा भी हुआ था। आज से 25 साल बाद आपका जाबाज राजकुमार आपके सामने होगा। इसे ऐसा योद्धा बनाना है कि शत्रु भी इसका नाम सुनकर कांप उठे। बस इस सब के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। आपने झूठ क्यों कहा दामाद बाबू? हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हमें लोगों के मन में विश्वास बनाए रखना है, शत्रुओं के मन में भय बनाए रखना है। इसकी मां को जिंदा रखने के लिए, झूठी आस बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। बाद में राजकुमार कहां से आएगा? भगवान अगर हमसे प्यार करता है तो वो जरूर किसी न किसी को भेजेंगे, लेकिन जब तक वो रक्षक नहीं आ जाता हमें ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। दफना दीजिए इसे। और उस साल अपने बेटे के गम में डूबे हुए सूर्य प्रताप उस युद्ध को हार गए। हमार लोग मरे तो खुशियां मनाते रहे, उनका बिटवा पैदा हुआ तो खुशियां मनाते रहे क्यों? आज के बाद किसी के भी घर में लड़का पैदा नहीं होगा, और होगा तो सिर्फ हमारे परिवार में। और 25 बरस के बाद कोई उत्तराधिकारी आया तो उसका साथ देने के लिए कोई मर्द नहीं बचेगा। अपने कान खोल कर सुन लो, अगर किसी के भी लड़का पैदा हुआ तो हम उसे ऊपर पहुंचा देंगे। आज के बाद सिर्फ हमारा झंडा लहराएगा यहाँ, हम ही यहाँ के राजा होंगे। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तेरे दोस्त बख्शी का क्या हाल हुआ था मालूम है ना? अगर तेरे को तेरी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे आदमियों को पैसा दे दे, नहीं तो तुझे भी बख्शी के पास भेज दूंगा। मुझे एक ही बात को बार बार दोहराने की आदत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये दौलत मेरे खून पसीने की कमाई है, समझ गए? बाहर मत निकलना सर।
कुमार, वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचा लो, सॉरी सॉरी, मुझे बचा लो। विक्रम, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। हम तुम्हें बचाने जाएंगे तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। विक्रम प्लीज, तुम समझते नहीं हो क्या? हेलो, यस, देखा, तेरी ही कंपनी में लाके तेरा गेम बजा रहा हूं। जब अपने ही लोग अपने काम ना आए तो फिर इस दुनिया में जीने का क्या मतलब? मार डालो मुझे। उसको मारो, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मार देगा? तू मार देगा? तू यमराज की औलाद है? मुंह साफ कर। देख, लाइफ में पैसा सिर्फ तीन चीजों के लिए होता है, शहजादी, शादी, आबादी। मरने मारने के लिए नहीं। बीच में डिस्टर्ब मत कर। अरे ये कहाँ गया? हेलो, हाँ काम हो गया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आया ना रास्ते पर। अरे अब ठीक तो है ना अंकल? तुमने तो बचा लिया, थैंक यू मिस्टर। थैंक्स से ही काम चलाओगे? तो फिर और क्या चाहिए? अरे अंकल, आजकल मार्केट में थैंक्स को कौन पूछता है? अगर जान है तो जहान है। देखिए अंकल, समझ लीजिए, आज आप यहाँ मर जाते। क्या मतलब? मान लीजिए मर जाते, एम्बुलेंस का खर्चा, पुलिस का खर्चा, अंतिम संस्कार, पिंड दान, अन्न दान, वस्त्र दान, पंडितों का दान, ये दान, वो दान, कितना खर्चा होता? आप सारा खर्चा जोड़ लो और वो पैसा आप मुझे दे दो, है ना सिंपल सी बात। आदमी इंटरेस्टिंग हो तुम। मेरे हिसाब से सब कुछ मिलाकर 10 लाख रुपए बनेंगे। अरे अरे, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बैंक अकाउंट है या कैश दे दूं? सर, ऊपर वाले की दया से मेरे पास अपना बैंक अकाउंट है और आपके पास आपकी जान। अगर आपके हाथ पैर टूट जाते, सर फूट जाता तो मेडिकल का खर्चा 60-65 लाख का फटका, तो हॉस्पिटल, ऑपरेशन, डॉक्टर, नर्स पे खर्चा होता ना, वो मुझे दे दीजिए। तुम्हारा तो दिल साफ है और दिमाग बहुत तेज है। मुझे तो पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। सर, ऊपर वाला जहां भेजता है वहां चला जाता हूं और जिसकी मदद करनी है उसकी मदद करता हूं अपने दम पे। रही बात आप जैसे शरीफ लोगों की, एक बार मैंने किसी की मदद कर दी तो अपने हक के पैसे
छोड़ता नहीं। लड़की चाहिए, वो भी तुम्हें शादी के लिए? भाई तेरे बैंक में तो एक रुपया भी नहीं है। मैंने बचपन में ही सोचा था मिनिमम 50 लाख बैंक में नहीं होंगे तो लड़की से प्यार नहीं करूंगा। ओहो, जब तक 60 लाख नहीं होंगे शादी नहीं करूंगा। और आज तो कमाल हो गया, एक दिन में मैंने 65 लाख कमा लिए। वेरी गुड, अब मेरा बैंक बैलेंस सीधा 65 लाख रुपए हो गया। मिनिमम 65,000 इंटरेस्ट मिलेगा। मैं और मेरी वाइफ एकदम आराम से रहेंगे। अब जल्दी से एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लूंगा, फिर उसके माँ बाप से बात करूंगा, अच्छा सा मुहूर्त ढूंढूंगा और धूमधाम से उसे अपने घर ले आऊंगा। अब तू देखते जा कि मेरा प्लान किसी। तेरी तो 65 लाख बैंक बैलेंस वाले आदमी को मारता है, तेरी तो गाड़ी की डिक्की में अभी तोड़ता हूँ। अच्छा हुआ इसकी डिक्की नहीं तोड़ी। अरे कहाँ जा रही है ये? ओ तेरी निकल गई, पकड़ के रहूंगा इसे। क्या कमर है? ओ यार ये तो दौड़ा दौड़ा के थका देगी। माँ कसम लड़की है या पटाखा। तुझे घूर घूर कर देख रहा है? इसको ना कल मैंने कार से हल्का झटका दिया तो मेरे पीछे 5th फ्लोर तक आ गया। लगता है बड़ा झटका देना पड़ेगा उसे। चलो इसको लेकर शॉपिंग करने चलते हैं। पैसा खत्म, खेल खत्म। देखना आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। भैया तुम्हें कंगाल करने का प्लान चल रहा है, संभल कर रहना। जरा देखो उस मोहन प्यारे को, क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग और रिकवरी एजेंट ज्यादा है लेकिन लड़कियाँ कम। इम्पॉसिबल, भगवान के पास से पैसे चुराना आसान है लेकिन मेरी जेब से माल निकालना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्या? ऐसा ही है। आज तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ए, कम हियर। जी, मुझे बुलाया? तुम्हें नहीं तो क्या इस डेढ़ फुटिया को बुलाया? क्या तुम्हें मैं डेढ़ फुटिया लगता हूँ? जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? आप जैसी नहीं देखी ना, आपके जैसी आंखें, आपके जैसे बाल, आपके ये गुलाबी होंठ, आपके बोलने का स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, कैसे ना देखूं? और आप भी तो वही कर रही थी। धोनी's hair is so nice, धोनी's eyes are so cute, धोनी's body is so hot. उससे अच्छी तो मेरी बॉडी है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम कल से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाई, वो भी सीधे यहाँ पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कब हार्ट फेल हो जाए। ए, तुम पागल हो क्या? पागल? तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। चाहो तो अपनी फ्रेंड से पूछ लो, इस बॉडीगार्ड से मत पूछना, पर इनमें से किसी से भी पूछ लो। अगर इनमें से कोई भी कहे कि तुम प्यार के लायक नहीं हो तो मैं नहीं करूंगा। Shut up! अगर दोबारा मेरा पीछा किया तो घर से उठवा लूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ। अरे रुक रुक। सर 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 सर, मेरे पास तो सारे पेपर्स हैं, फिर भी आपको कांस्टेबल पैसे। चुपचाप फाइन भर दे। पड़ गई। हंसी क्यों? सुना नहीं हंसी तो फंसी। हंसकर अपनी फीलिंग शो मत करो, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, समझ गई ना? हाँ बदमाश होते हैं, धोखेबाज होते हैं। सर सर, मेरी माँ का इमरजेंसी ऑपरेशन है, मुझे जाने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। Huh?
कहाँ जा रहा है? चल निकल। सर ये क्या कर रहे हैं? पीछे मत आ, चल सर इसे हॉस्पिटल जाने दीजिए, ये मर जाएगा। मरता है तो मरने दे। तू इसको हॉस्पिटल लेके जा। गलत है, किसी घायल को मदद ना करना गलत है। सर मैंने उसे मारा क्योंकि वो आदमी मर जाता। सर मारो मत। पुलिस वाले पर हाथ उठाता है तू? मत मारिए इसे, इसने गलती ही क्या की है? इसने मरते हुए आदमी को बचाया, ये देखा नहीं आपने? वाले को मारता है, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। जानते हो किस पर हाथ उठाया तुमने? चीफ मिनिस्टर का आदमी है। यू आर सस्पेंडेड नाउ, कल ऑफिस आ जाना। माफ कर दो, इंस्पेक्टर की गलती थी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर कौन है ये जिसके लिए मिनिस्टर खुद चलकर आई और मुझे सस्पेंड कर दिया? लेकिन सर ये तो अनाथ है। अनाथ नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई राज है। मैं टपोरी जैसा दिखता तो हूं पर एक अच्छा इंसान हूं, सच में। चलो फटाफट शादी करते हैं। इतनी जल्दी? कुछ दिन एक दूसरे को समझ तो ले। समझने का मतलब क्या है? एक दूसरे को 150 SMS भेजना, 100 बार फोन करके पूछना तुमने खाना खाया कि नहीं, खाया तो खाने में क्या खाया, आज तुमने कौन सी ड्रेस पहनी है, रात को तुमने मुझे मिस किया, सो गए क्या, इतनी जल्दी कैसे सो गए, क्यों सो गए, उठो मेरे साथ बात करो, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। ये बेकार की बातें मेरी समझ में नहीं आती। उससे अच्छा सीधा शादी कर लो और पूरी क्रिकेट टीम धड़ाधड़ तैयार कर लो। IPL में जाओ तो खुद के घर की टीम के साथ। अच्छा आइडिया है ना? क्यों? एक दर्जन बच्चे। हाँ? धड़ाधड़। हाँ? एक बात बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड? अरे मेरे अकाउंट में 65 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं MGM कंस्ट्रक्शन के मालिक रमेश सिंह की बेटी हूँ। हमारा 6,000 करोड़ का एम्पायर है। तुम्हें बचाने के लिए मैंने डैडी को फोन करके स्टेट होम मिनिस्टर को बुलवाया। 6,000 करोड़? सोचो अगर 6,000 करोड़ में 65 लाख मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मेरे पापा तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे। फैमिली से? लेकिन फैमिली क्यों? अरे मेरे पापा तो एक कुत्ते को खरीदने से पहले भी उसकी 7 जनरेशन का रिकॉर्ड खुद चेक करते हैं। कुत्तों का तो ठीक है, लेकिन दामाद का रिकॉर्ड क्या चेक करना है? तुम्हारी कोई फैमिली है या नहीं? नहीं है तो मुझे भूल जाओ। ये तो गड़बड़ हो गई। बैकग्राउंड के बारे में सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे फैमिली का नाम सुनते ही चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर कांपने लगता है। तुम रॉयल फैमिली से हो? अपनी तो कोई फैमिली नहीं है। यस, रॉयल फैमिली से हूँ। ठीक है, तो अपनी फैमिली को मेरे पेरेंट्स से मिला, ठीक है? रॉयल फैमिली, फेंक ले साले, थू है तेरी जिंदगानी पर। रॉयल का स्पेलिंग नहीं आता, रॉयल फैमिली से हूँ। अब रॉयल फैमिली कहाँ से लाऊं? चल
सुधा तू अंदर जा। हम कहे थे कि कोई लड़का पैदा नहीं करेगा हमारे इलाके में, अगर मर्द पैदा होगा तो सिर्फ हमारे घर में अपनी जान प्यारी नहीं। अरे, अरे साहब, ये बच्चा लड़का नहीं लड़की है, लड़की है साहब, हम सच बोलत हैं। लड़की तो पहले कहने बताया भैया, ये तो लड़का है। साहब हमको माफ कर दो, हमसे मार दो बच्चे को। छोड़ दो, मार छोड़ दे, छोड़ दो साहब, छोड़ दो, भूल हो गए, छोड़। ए प्रभु, ये कैसा जाए, सब खत्म कर डाला रे। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तुमने एक बेकसूर माँ की कोक को उजाड़ा है, इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को मिलेगी। ये एक बेबस माँ का श्राप है, देखना तुम्हारे परिवार में कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा। क्या हुआ बे? एक ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। देवगढ़ का सूर्यवंशी परिवार एक नौजवान को गोद लेना चाहता है, एक ऐसा लड़का जो युद्ध कला में माहिर हो, जो मर भी जाए तो उसके पीछे रोने वाला कोई ना हो, ऐसे लड़के को वो गोद लेना चाहते। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। झुककर? ये क्या बोल रहे हो सर? राजाओं के सामने झुककर नमस्ते किया जाता है, झुककर बोलो। ओके, इतना झुककर चलेगा? लड़का आ गया। यही है लड़का। लगा था खली जैसा लंबा चौड़ा होगा, निकला पिद्दी सा। तुम्हारे सामने तो खली लगता हूँ। सर सर, कुल कुल कुल, माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहा है यार, खेल शुरू होने से पहले डी एंड। इस पाव किलो से डरने वाला नहीं हूँ मैं। चुप कर। सर ये क्या है ना, इसके जबान में हड्डी नहीं है। साला पाव किलो मुझे पिद्दी बोलता है। लड़के, ये देवगढ़ के राजा हैं। नमस्ते सर। उन्हें अपना नाम बताओ। जग्गू। सरनेम? एम। सिर्फ एम से क्या मतलब है तुम्हारा, पूरा नाम बताओ। एम का मतलब मैं खुद। खुद मतलब? खुद मतलब मैं सर। अगर मेरे पास घर होता, सरनेम होता, तो यहाँ क्यों आता? सर मैं सच बोलता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नाम और घर के बदले में तुम क्या चाहते हो? बदले में मैं आपसे क्या लूंगा सर, जब से मैंने होश संभाला है खुद को अकेला पाया, मुझे तो यह भी नहीं पता कि माँ का प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है। आप अपनों का प्यार दीजिए, वही काफी है, और ऐसे परिवार की रक्षा करते हुए अपनी जान भी दे सकता हूं सर, क्योंकि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं जिस घर में जाऊंगा ना, वहां का एक एक सदस्य मुझ पर फक्र करेगा, मैं उन सबको बहुत प्यार दूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा सर। बेटे, एक माँ की बेबसी को देखकर, लोगों के विश्वास को देखकर, एक लाचार और मजबूर बाप ने एक मरा हुआ बच्चा सबके लिए जिंदा रखा हुआ है, और तुम वही बच्चे हो। तुम्हें अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाना है। आज के बाद तुम ही बात को हमेशा के लिए भूल जाना कि तुम गोद लिए गए हो। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लो।
इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं और अपनी जान देकर भी मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा करूंगा। आज से तुम्हारा नाम राजा सूर्य नारायण प्रताप सिंह है। जय विष्णु हरि, बैकुंठ वासी हरि। लगता है आज मैं कंगाल हो जाऊंगा। श्री कृष्णा हरि, हमारी भर दो झोली और कर दो हमारी जेब खाली। श्री गोविंदा हरि। राजकुमार सूर्य, इन्हें भी 1,00,000 रुपया दे दो। इसको भी 1,00,000 दे। मैं भी डमरू लेकर निकल पड़ता हूँ। अब तुम एक राजा हो, राजाओं की तरह व्यवहार करना सीखो। दान देना राजा का धर्म है, चाहे कंगाल हो जाए। समझ गया। जरा हिसाब लगा, 2 दिन में मेरे 5,00,000 चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने में रोड पे आ जाऊंगा मैं। My God, it's paining, you know. I know. राजकुमार सूर्या को उनके जन्मदिन के बारे में बताइए। जो आ गया। जन्मदिन? साले साहब, परसों आपका जन्मदिन है। ओहो, हैप्पी बर्थडे। सुनो, 1-1 रुपए वाली टॉफी पूरे गांव में बांट दो। ओके। क्या सिर्फ टॉफी? एक राजकुमार पहली बार अपना बर्थडे मनाएगा तो सिर्फ टॉफी बांटेगा? अरे उसे तो दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए भैया। दिल खोल कर खर्च करना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, 40 गांव हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो हर गांव को 1,00,000 दिया तो कुल 40,00,000 होगा। 40,00,000, बस इतना? तूने सुना ना? सुना। और इसके अलावा इस महल की पेंटिंग के लिए सिर्फ 5,00,000 और लगेंगे। सुना भैया तुमने? इन्हें पेंटिंग करवानी है, उसके भी पैसे मुझसे ही लेंगे। वो ऐसा है ना कि पेंट करने से महल में रौनक आ जाएगी। तुम पेंट करो, मुझे पेंट करो, करो करो। यू ही ना बात। अच्छा, ये सारी कार्स पुराने मॉडल की हुई गवाह है। हमें कुछ नई मॉडल्स की कार लेनी चाहिए। नई कार्स लेनी है? वो भी ले लेंगे। लगता है ये शहर तक जाने के पैसे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे कपड़े उतरवाएगा ये। एक बात बताइए, इन घोड़ों को क्या हुआ? इन्हें भी कुछ चाहिए? घोड़े बहुत भूखे हैं, खाना चाहते हैं। 85,000 इनको भी दे दो। अच्छा, मुझे ही काट कर खिला। सॉरी सर, घोड़े वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते। गुड गुड। आइए अंदर आइए, वेज नॉन वेज दिखाता हूँ आपको। आइए देख भाई, ना मुझे इनका महल चाहिए, ना ही राजा का नाम चाहिए। मैं 0 ही ठीक था। 0000000। सुन यार, मेरा पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। मेरा ये खिला हुआ चेहरा भी फटी हुई चप्पल जैसा हो जाएगा। तू यही चाहता है क्या? हंसता खेलता तेरा दोस्त किसी सिग्नल पर भीख मांगता फिरे। चल यार, यहाँ से चलते हैं। राजकुमार के हाथ से बैग कैसे गिर गया? ये यहाँ क्या कर रही है? इसे यहाँ का पता किसने दिया? नमस्ते सर, ये है मेरी बेटी। नमस्ते अंकल। आपके सामने नहीं बैठ सकता मैं, भले ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाऊं, मगर आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ये अंकल पागल है, मेरे नाना इसे करोड़पति से रोडपति बनाएंगे। 6 दिन में मेरे 65,00,000 खर्च कर दिए। कम से कम मेरी मूछें तो बची है, इसके पास तो वो भी नहीं है। अरे यार, लेकिन ये तो करोड़पति लगता है। क्या फर्क पड़ता है यार, नाना सब खर्च करवाएगा। हमसे 1,00,000 करवाए, इससे करोड़ करवाएगा। फिनिश। तू देखना, एक दिन इसकी बेटी यहाँ पोछा लगाएगी। मैं माली का काम करूंगा, ये ड्राइवर बनेंगे और तू घोड़ों का साथ। यही होगा। मैं अपनी बेटी आपके पास छोड़े जा रहा हूँ ताकि ये आपके पूरे परिवार उसकी सभ्यता और रीति रिवाज को जान सके। तब तक आप इनके रिश्ते के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार जी, ये मेरी बेटी। चलता। ये हमारे भाई सूर्य नारायण प्रताप सिंह। हाथ मिलाओ जी। नमस्ते। हाय, मार दिया यार। इसकी एंट्री पे ही पैसे वसूल है। वैसे भी पैसे बचे कहाँ हैं? ऑलमोस्ट गॉन। अब यहाँ रुकू तो क्यों रुकू? इतने लोग, एक आदमी को मारने के लिए कितने लोग चाहिए?
सूर्य अकेला है, पर वो 100 लोगन पर भारी पड़त है। वो यहाँ पर खून की नदियां बहा गई। पुजारी, उनका संक्रांति के युद्ध के लिए बुलाओ, धरती को बलिदान चाहिए। नमस्कार श्रीमान जी, कहाँ है सूर्या? कहाँ है मेरे कठोर? दर्शन दे दो। ये ऑर्केस्ट्रा कौन है? ऑर्केस्ट्रा नहीं है, तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। तुम्हारे परिवार के लिए इन्होंने अपनी आंखें बलिदान कर दी। भले इनकी आंखें चली गई हो, पर फिल्में बहुत देखते हैं ये। ओ अंकल जी, तुम्हारा सूर्या यहाँ है। यहाँ यहाँ ये देखो। राजा जैसा फौलादी जिस्म है। देखो तुम्हें मिलने के लिए कौन आया है। बेटी नीला, तुम्हारा दूल्हा यहाँ है। ओहो, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे बिटवा, इधर तो आओ। अपने लोगों से कैसा शर्माना? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो उसे भगा दूं। अरे नहीं पापा। हमारी बेटी तो जैसे सीधी साधी गाय है। इधर है। इधर इसके मुंह में तो जैसे जबान है ही नहीं। तुम इसके साथ बातें करो तो जरा। पापा कह रहे थे कि मेरा दूल्हा बड़े शहर से आएगा, बहुत स्टाइलिश होगा, बहुत मालदार होगा, राजघराने का कोई राजकुमार होगा जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन सिर्फ पैसों से कोई खुशियां थोड़ी खरीद सकता है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे खुश कर सके। आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे? मुझे हर दूसरे दिन लंबे और चौड़े लड़कों के प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन मैं उन सबको फौरन मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुश करना उनके बस की बात नहीं। आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे ना? मुझे दूसरों के बच्चे बहुत पसंद हैं, पर बच्चों के पापा को मैं पसंद हूँ, तो हम सब ना साथ में मिलकर खेलते हैं। कहीं आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा ये भी कह रहे थे कि होने वाले दूल्हे के पास नहीं जाना चाहिए। मैं आपके ज्यादा नजदीक तो नहीं आ रही ना? बाप रे, भाई तो इसके सामने कुल्फी की तरह जम गया। ये तो इसको चाट चाट के खा जाएगी। मुझे ना एक डाउट है। कहानियों में तो राजकुमार बहुत लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन तुम इतने पिद्दे से क्यों हो? देखो ये दिखते बहुत छोटे लेकिन इनका बहुत बड़ा है, मेरा मतलब दिल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको तलवार चलानी आती है? देखिए इन्होंने तलवार तो नहीं चलाई, लेकिन जरूरत पड़ने पर सीख लेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। जब भी जरूरत हो आवाज लगा देना। कैसे? नीला और मैं हाजिर हो जाऊंगी। ओके, समझ गया। आवाज जरूर लगाना। हाँ हैप्पी बर्थडे। ये क्या? तुम्हारा प्रेजेंट है? डैडी ने हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। समझो हमारी आधी शादी हो गई। क्या कर रहे हो? आधी शादी हो गई है तो आधा प्यार भी कर ले। सच कह रहा हूँ, आधा ही प्यार करूंगा। छे, शादी तक रुक नहीं सकते? अब शादी में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो फैमिली भी मिल गई है। मिल गई मतलब? मैं क्या बोल रहा है यार, तुम वो सब छोड़ो। हमारी फैमिली ने रिश्ता मंजूर कर लिया है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे कौन है भैया? ये कहाँ से आ गया? ये मेरे ऑर्केस्ट्रा अंकल है, ये कुछ देख नहीं सकते, आवाज मत करना। वाह वाह वाह, करो करो, पूजा करो। है आरती उतारू पर काहे रुके हो? आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है अंकल, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। अब पूजा करने के लिए काहे की आरती उतारू? राजकुमार, ये आफत भी आ गई। निकलो यहाँ से। अरे अरे क्या कर रही हो? सूर्या तो अभी पूजा कर रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। आ गया। चलो हम साथ में करते हैं ना पूजा, चलिए ना। दोनों साथ में करो।
मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि लड़कों को पायल की आवाज बहुत लुभाती है। तुम्हें भी ये आवाज लुभा रही है ना? ये जगह खाली है ना? सच सच बोलो। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मेरी जिसके साथ शादी होगी वो जीवन भर बहुत ही मस्त रहेगा, ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? ये क्या है? बुकिंग है। बुकिंग? मेरे पापा ने ये हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। आपको एकदम फिट आई है ना? आपके हाथ में बांधने से समझो हमारी आधी शादी हो गई। अब मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर सकती हूँ। करूँ क्या? करवा लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो शादी के बाद धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने हैं। हमें पूरी की पूरी क्रिकेट टीम बनानी है। हाँ। अच्छा। आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब भी आपका मन हो नीला आवाज लगा देना, मैं फौरन चली आऊंगी। ठीक है ना जानू? ये तो गले ही पड़ गई। देखो देखो देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? उसने बुकिंग करती, कोऑपरेट करती है, पायल की आवाज सुनाती है, और बाकी क्या रह गया? अरे वो तो पागल है, उसका सिर्फ फिगर अच्छा है, बाकी दिमाग से पूरी पैदल है। पर तुम तो फास्ट हो ना। हे भगवान, मैं बनो मत। धड़ाधड़ धड़ाधड़ दर्जन बच्चे चाहिए। एक दर्जन बच्चे के लिए कितनी शादी करोगे? घूंसा मार के दांत तोड़ दूंगी। फिगर अच्छा है, फिगर। ये दांत तोड़ देगी और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, ये सब लफड़े मेरे साथ ही क्यों होते हैं? महाराज, संक्रांति आ गया है, युद्ध का आमंत्रण भेजना है कि नहीं? राजकुमार सूर्या, इनको कह दो कि हम कल युद्ध का आमंत्रण लेकर आएंगे। मैं कल युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करने आऊंगा। दीर्घायुष्मान भवा। राजप्रताप, राजकुमार को उनका राज्य दिखाया जाए। आप भी चलिए, सैर हो जाएगी। तुम अकेले जाओ। अकेला क्यों जाऊं? अरे बाप रे, ये रथ क्यों ला रहे हैं? हम गाड़ी में जाते हैं ना। रथ में सवार हो जाओ। आगे चल, आगे बढ़।
सूर्यनारायण प्रताप। इसको मरने की जल्दी है का? मूछों को ताव और जंगा पर थाप दे। जांग पर थाप मारू, लेकिन क्यों? दुश्मनों को ललकारने की ये हमारी परंपरा है। ये कैसी परंपरा है? तो हर जंगा की थाप से दुश्मनों के पैर कांप जाने चाहिए, उनकी दिल की धड़कने बंद हो जानी चाहिए, उन्हें ललकारो। करता हूँ ना, इतना गुस्सा क्यों करते हो? रुको रे, कल मंदिर में हमारी मीटिंग है ना, बुझने से पहले लो बहुत भड़कती है, बुझा देंगे हम। सूर्या को दे दो। वो लड़का हमारे घर में हमको ललकारता है, उसका कटा सिर चाहिए हमको। तो क्या मुझे वाकई युद्ध करना पड़ेगा? आज ही के दिन के लिए तुम्हें 25 साल तक छुपाकर पाला गया था, सब लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम्हारा परिवार इसी दिन के लिए तुम्हारा इंतजार करता रहा, और हमारा दुश्मन भी इसी दिन का इंतजार करता रहा। मेरे पिताजी इस युद्ध में मारे गए, मुझे ना मार दें इसलिए इतने साल तक मुझे लड़कियों के कपड़े पहना के रखा गया। एक औरत के रूप में इतने सालों तक हम इस घर की रक्षा करते रहे तुम्हारे इंतजार में, इस महल के लिए, इस खानदान के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। लेकिन भैया आप सही कह रहे हैं, जो आग इनके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। उन्होंने मेरे पापा की आंखें निकाल ली, वो अपनी आंखों से भले ही अपने दुश्मन को मरता हुआ ना देख सके, पर उनके मरने की चीखें तो सुन ही सकते हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए पापा यहाँ आए हैं। मैं और मेरे पापा एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाए। हम लोगों को चैन की नींद तभी आएगी जब तक के उन दरिंदों की मौत की चीखें नहीं सुन लेते। मेरे पापा की खुशी के लिए उनकी लाशें बिछा दो। मैं बस अभी आया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं यहां का राजकुमार नहीं हूं। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने इनसे मुझे गोद लेने को कहा। मैं ही तुम्हें यहां लेकर आई हूं। क्या? हां सूर्या, दूसरे अनजान लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते देखा तुम्हें तो मुझे लगा तुम यहां के लोगों को भी बचा लोगे। तुम्हारे जीजा जी को गर्व है अपने पिता की शहादत पर, नीला को अभिमान है अपने पिता के बलिदान पर, लेकिन मेरे पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं। मेरे पापा ने अरबों रुपए कमा लिए लेकिन अभिमान नहीं कमाया। उस अभिमान की ज्वाला मैंने तुम्हारे अंदर देखी, तुम्हारे अंदर की आग इस बुराई को खत्म कर देगी। मैं नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। इस धर्म युद्ध में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी चिता चलेगी। कल सुबह तुम्हें इस युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना होगा। लोगों को शादी का न्योता देते हुए सुना है, लेकिन यहाँ तो युद्ध का न्योता बांट रहे हैं। कहाँ फंस गया मैं? सबके सब मिलकर मुझे बलि का बकरा बनाने पे तुले हुए हैं। सोचा था इस राज्य का राजकुमार बनूंगा, अबे काहे का राजकुमार, मेरा सारा बैंक बैलेंस खा गए ये लोग, मुझे तो घिस घिस के निचोड़ दिया इन्होंने। वही ना। साले, ये सारा प्लान तो तेरा था ना? नहीं छोड़ूंगा तुझे। 6,000 करोड़ के प्लान पर तुमने पूरा पानी फेर दिया और अब मुझे दोष दे रहे हो। रॉयल फैमिली का सरनेम तुम्हें चाहिए था, मुझे नहीं। पर एक बात है, उन सबको बड़ा नाज था, बहुत प्यार करते थे तुझसे यार। प्यार तो मैं भी उनसे करता था, माँ बहने इतना अच्छा परिवार, उनको छोड़ने का दुख तो मुझे भी होता है यार। पर ये मार काट क्यों करनी है? ये 25 साल तक इसलिए नहीं लड़े क्योंकि राजकुमार नहीं था ना, अगर राजकुमार चला गया तो लड़ाई नहीं होगी। तो भाई क्या हम हमेशा के लिए जा रहे हैं? नहीं यार, लड़ाई सिर्फ 2 दिन चलने वाली है, 2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म।
संक्रांति के बाद वापस चले आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे डांटेंगे ना, एक दो थप्पड़ लगाएंगे, कायर कह लेंगे, वो सब मैं सह लूंगा, लेकिन खून खराबा नहीं होगा ना, यही चाहता हूँ। चल पुजारे, वो लड़का काहे नहीं आया युद्ध करने के लिए? डर कर कहीं भाग तो नहीं गया? शेर की खाल में चूहा है का? सूर्य प्रताप जब तक नहीं आता है सरकार, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। तेरी जुबान ने हमें आदेश देने की हिम्मत कैसे की? तुझे इसका अंजाम मालूम है, अब इस जबान को काटना ही पड़ेगा। जिस दिन से उसने हमको ललकारा उस दिन से वो हमारा शिकार है। ढूंढो उसे, हमें उसके 100 टुकड़े चाहिए। सूर्यवंशियों को घसीट कर लाओ, उनकी औरतों को हमारे घर के अलावा कोई मर्द हाथ नहीं लगाएगा। जाओ, खबरदार जो खाली हाथ लौटा तो। याद है ना हमने क्या कहा, हमें उनके पूरे 100 टुकड़े चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको ललकारने की? तू उस कमीने को लाया था हमको ललकारने के लिए? इस और कैसा है श्रीमान? ससरे को घोड़े के पिछाड़ी और ले चलो। ए, कौन है? माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। ये तो अन्याय है भैया। क्यों, तू कह रही थी ना कि तुम्हारा रक्षक आएगा तुमको बचाने के लिए, कहाँ है साला? डर कर भाग गया? वो भागा नहीं है, शेर जब शिकार करता है तो जंगल में शांति छा जाता है, वो जरूर आई। तो बुलाओ उसको। बाल बाल बच गए, रुक जाते तो पता नहीं ये क्या करवाते। अब शांति। रानी, किसी नामर्द का जन्म दिया था क्या? थू! अगर मर्द नहीं पैदा कर सकती तो कोई लड़की ही पैदा कर देती। अगर अपने लोगों की जान और बेटियों की इज्जत प्यारी है तो बाहर निकल और पैरों में गिरकर बोल कि तूने एक नामर्द को जन्म दिया है। हमारे पैरों में झुककर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। अरे तू बाहर निकलती है या मैं अंदर आऊं? हमरे सामने झुक कर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। जल्दी बोलो। Oh, my God.
नाना जी, माँ और बहनों को लेकर आप अंदर चले जाइए। हाथ सिर्फ रक्षा करने के लिए उठता है, विनाश करने के लिए मेरे हाथ को उठने पर मजबूर मत कर। तू मेरा शिकार करेगा? कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है। इस दुनिया में कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है, तुझ जैसे शैतान के हाथ में नहीं। जल्लाद कहीं का। ए, तू हमको जानता नहीं, इतिहास उठा के देख, यहाँ के विधाता हैं हम। विधाता के अलावा कोई और इतिहास नहीं रच सकता। भूत भविष्य वर्तमान सब उसके हाथ में है, धरती उसके हाथ में, आकाश उसके हाथ में। उसकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता तक नहीं हिलेगा। याद रख, आज मेरा हाथ सिर्फ रक्षा के लिए उठा था, अगर ये विनाश के लिए उठा तो तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरे पूरे वंश को मैं राख कर दूंगा। सर्वनाश। तेरे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक लड़का तो क्या, एक चूहा भी पैदा होने से काम चलेगा। मुझे कसम है इस धरती की, मुझे कसम है इस आसमान की, अपने परिवार और इस सारे राज्य का आज से मैं रक्षक हूं। अब तेरी नहीं, मेरी चलेगी, सूर्या की हुकूमत चलेगी। आज के बाद इस राज्य में और किसी की लाश नहीं गिरेगी। इसे तुम सूर्य प्रताप का हुक्म समझो। याद रखना।
इनकी जान में बचा लूंगा, पर अफसोस है कि ये कभी चल नहीं पाएंगे। ऐसी लाइफ का क्या फायदा? शुक्र मनाओ हमारा बिटवा जिंदा तो है। अब औरतें हमको सिखाएंगे जीवन मृत्यु का भेद। जो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता उसका मरना ही अच्छा है। सूर्या ने युद्ध में आने का हमारा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और वो अखाड़े में लड़ने भी नहीं आया। ना तो उसने तलवार उठाई ना कोई लाश गिराई, फिर भी वो जीत गया, सभी का हीरो बन गया हमारे बेटे को सुला के। इसका चिंता रहना हमारे लिए श्राप होगा। आवाज नहीं, तुम चंद्रवंशी का औरत हो, किसी कायर का नहीं। जीते जी तो ये कौन सम्मान का काम किया नहीं, मरने के बाद इसे सम्मान देना हमारा फर्ज है। दे दो चील कवों को। आज से 14 दिन बाद सूर्य हमको अखाड़े में चाहिए। गांव वालों के सामने उसका कटा हुआ सिर चाहिए, हमको कटा हुआ सिर चाहिए। ये सब गांव के सरपंच हैं, तुम्हारे समर्थक, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। शुक्रिया। 25 सालों से हम लोग कायरों की तरह जी रहे हैं और आज पहली बार हमें उनसे टक्कर लेने का मौका मिल रहा है। आपने दुश्मन को ललकारा है, हम सब आपके साथ हैं। अब जान भी चले जाए तो गम नहीं। तो फिर एक काम करो, अपनी फसलें जला दो और अपने घर तोड़ दो। फसल जला देंगे तो खाएंगे क्या? घर तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? मुर्दों को घर और खाने की जरूरत होती है क्या? जिस फसल पर तुमने सिर्फ 6 महीने मेहनत की है उससे तुम्हें प्यार है। अपना सिर छुपाने के लिए जो मकान बनाए हैं उनसे तुम्हें प्यार है, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें जो जिंदगी दी है उससे तुम्हें प्यार नहीं है। क्यों? सम्मान जीवन से कीमती है? मौत के बदले मौत के कानून से दुनिया में इंसान नहीं बचेगा, फिर क्या करोगे सम्मान का? बंद करो ये बदले की लड़ाई। आज के बाद मेरे इस राज्य में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई औरत विधवा नहीं होगी और कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। जियो और दूसरों को जीने दो। आपन विचार बहुत अच्छे हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, पर हमारा दुश्मन नहीं चाहता है। तो हर पिताजी को मारा, हम लोगों ने गांव में पैदा होने वाले हर लड़के को यहाँ से शहर भेजते रहे। उन बच्चों को भी वो लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। पता नहीं अब उनमें से कितने जिंदा बचे होंगे। क्या तुम चाहते हो कि हम लोगों हमेशा मौत के डर से जीते रहे? बिल्कुल नहीं। अकेलेपन का दुख मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज के बाद किसी की आंख से आंसू नहीं गिरेगा और ना ही किसी को डर के जीने की जरूरत होगी। शहर गए लोगों को मैं लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। बाबा, क्या ये मेरा बेटा है? इसमें नया क्या है? 70 सालों से हो रहा है ये। अरे वो तो इसे त्योहार की तरह मनाते हैं ना, उनको वहां पुलिस चाहिए और ना कोई केस, अपने ही नियमों का पालन करवाते हैं वो। नियम का पालन होना चाहिए, पर उनके नियम और हमारे नियम अलग नहीं है। हम सब पर देश का संविधान लागू होना चाहिए। कलेक्टर होने के नाते ऐसी लड़ाई रोकना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, लेकिन लोगों को भी तो इसके लिए तैयार होना चाहिए ना। वो क्यों नहीं होंगे सर? आम आदमी सुकून से 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने परिवार के साथ खाना चाहता है, पर सरकार वो जरूरत पूरी नहीं कर सकती। ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना सड़क। आम आदमी को जीने के लिए यही चाहिए, पर उसे ये भी नहीं मिला। हमारे इस जिले के लोग मेरे इस हाथ की उंगलियों की तरह अलग अलग हैं, पर एक साथ आ जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये सब दबे कुचले लोग हैं, आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, इनकी जिंदगी बदल जाएगी। नियम कानून लोगों की अच्छाई के लिए होते हैं, उनके विनाश के लिए नहीं। अगर आप और मैं मिलकर ये लड़ाई रोके तो क्या ये लोग बदल नहीं सकते? आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे पास आए हैं ये समस्या लेकर।
आप किसी से डर कर आए हैं या ये सोशल सर्विस है? डर के आया हूँ सर। बेटे की लाश देखकर माँ के आंखों से निकले आंसुओं से डर लगता है। एक बच्चे को अनाथ होकर सड़कों पर रोते हुए देखने से डर लगता है। सर, बहुत डर गया हूं मैं। और इन बातों से आपको भी डरना चाहिए। आपने मदद नहीं की तो मजबूरन मैं हथियार उठाऊंगा, और अगर मैंने हथियार उठाया तो बस 5 मिनट में उस पूरे चंद्रवंशी कुल का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं आपकी मदद से यह लड़ाई रोकना चाहता हूं। मुझे लड़ने पर मजबूर मत कीजिए। आप एक अच्छे नागरिक का धर्म निभा रहे हैं, तो मैं भी एक जिम्मेदार ऑफिसर का धर्म निभाऊंगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार सर, आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में? कलेक्टर साहब से कुछ काम था। सब ठीक तो है ना सर? बिल्कुल। जय हिंद सर। तुमने उसे सल्यूट क्यों किया? ये सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्या थे सर। दिल्ली शहर में एक अनाथ की तरह जिंदगी जीने वाला वो आखिर सूर्यगढ़ का राजकुमार कैसे बन गया? माँ, भूख लगी है, खाना लगवा। क्यों भाई, अब बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है? अब तो दानवीर करण बनकर दोनों हाथों से लुटा रहे हो। सूर्या, ये ताजा दूध है, पी लो। पीते ही तुम्हारे रगों में ताकत आ जाएगी, फिर करना तलवारबाजी। लो पिला दो इसे। अच्छा, आप यहाँ फ्री की रोटियाँ तोड़ते हैं, आप तलवार उठा के क्यों नहीं लड़ते? तलवार चलाना मुझे अच्छे से आता है। मैंने तलवार उठा ली ना तो लोगों के डर से सुसुन। ये देखो। क्या कहा? ये देखो। अच्छा, अगर मैंने तलवार अपने हाथ में उठा ली ना तो दो चार कट नहीं है, इसीलिए मैंने तलवार उठाना बंद कर दिया है। वाह, क्या बात है। अभी तुम्हें जरूरत है, तुम ही तलवार निकाल लो। तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे दो और देखो तलवार निकल जाएगी। आप पागल हो गए? मेरे पास क्या कोई कुबेर का खजाना दबा पड़ा है? पैसे कमाने का उससे आसान तरीका है। क्या तरीका है बताओ तो? अभी बता दो। इस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे? मेरे पास 1,2,3,4,5,000 है। मेरे पास 25,000 है। तो ये 5,000 मिलकर हो गए 30,000। 15,000 आपके और 15,000 मेरे। अब ना कोई राजा है ना फकीर, everyone is equal, सब एक समान है। ये तो मजा आ गया, 5 के 15,000। इस तरीके को क्या कहते हैं? इसे सोशलिज्म कहते हैं। ओहो, सोशलिज्म तो बड़ा कमाल है, अगला तरीका क्या है? बड़ी। ये क्या था? राउडीज्म। जेब में जितने पैसे निकाल के मुझे दे दो। नहीं निकालूंगा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। मेरी तलवार निकालो। तलवार निकालने की क्या जरूरत है? अभी गुंडाइज्म भी तो दिखाना है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके टुकड़े करके कुत्तों को टुकड़े करोगे? मैं तुमसे नहीं डरता। ये पकड़ो सारे पैसे, इसे छूना भी पाप है। अच्छा, 2x2 किसको बोला? नहीं तो क्या अमिताभ बच्चन बोलो? ये चलेगा भैया। एक बात समझ लो, अगर आगे से मुझसे किसी भी गलत काम के लिए पैसे मांगने चले आए ना तो टेररिज्म दिखा दो। अब ये टेररिज्म क्या है भैया? आपके पिछवाड़े में बड़ा सा रॉकेट लगा दूंगा, कितना डेंजरस होता है ये बताएगा। बाप रे! नमस्ते सर, आइए अंदर चलकर बातें करते हैं। माँ, 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 कलेक्टर साहब आए। सर प्लीज बैठिए ना, आप कॉफी पियेंगे या चाय? इस पेपर पे साइन करके अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। तुम्हें पता है हम कितना नफरत करते हैं खाकी रंग से, फिर भी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? वो मेरे दामाद की जान ले लेगी। और जानते हो, मेरी बेटी की अभी नई नई शादी हुई है। हम हाथ जोड़ते हैं, इन्हें माफ कर दो।
मेरी पत्नी भी उनके चंगुल में। प्रजातंत्र का मतलब यह तो नहीं कि जब चाहे किसी के घर में घुस गए। यहाँ प्रजातंत्र ना ही चलता है, यहाँ सिर्फ एक ही कानून चलता है और वो हम बनाते हैं। हमसे पूछे बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। कलेक्टर, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम कंप्लेन लाओगे और हम उसे मान लेंगे? जिन हाथों ने उस पर मोहर लगाई उन हाथों को अब काटना ही होगा। अरे काट कर फेंक देते हैं हम उन हाथों को जो हमारे खिलाफ उठते हैं। दादा आपके बारे में नहीं पता था, ये कंप्लेन वापस कर देंगे, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन प्रशासन और कानून की ताकत है आपके पास। जंगली हैवान किसी नियम कानून को नहीं मानते, मैं सारी ताकत लगाकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानते हो उसकी ताकत क्या है? उस इलाके के सारे वोटर्स, 2 MP, 3 ministers और 10-10 MLAs का सपोर्ट है उसके साथ। मैं अपनी फैमिली को ही नहीं बचा सकता तो किसी को क्या बचाऊंगा? सर एक काम करते हैं, मैं सूर्या पेपर साइन कर दो बेटा। शुक्रिया। समझ आ गया बेटा, तुम तो 25 साल पहले जन्म लिए थे पर ये लड़ाई 70 साल पुरानी है। तुम्हें क्या लगा था प्रशासन को इसका पता नहीं? सरकार ये बात नहीं जानती? तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने कुर्बानी दी है उन्हें ये विचार नहीं आया था? सिर्फ तुम्हें ही आया? अगर 10 लोगों के मरने से 10 लाख लोग जीवन पाते हैं तो उनका मरना जायज है। तुम तो शहर से अभी अभी आए हो, तुम यहाँ के नियम कानून नहीं जानते हो बेटा। यहाँ का समाज और सिस्टम हम जानते हैं। आदमखोर का शिकार करना मानव का धर्म होता है। अपनी जान गंवाकर दूसरों की जान बचाने वाला ही सच्चा रक्षक है। तुम्हें इन 2 परिवारों के बीच के इस युद्ध में अर्जुन बनकर बुराई का सर्वनाश करना होगा। तुम्हारा धर्म है अपने परिवार की और राज्य के लोगों की रक्षा करना। जाओ। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, धर्मयुद्ध के लिए हथियार उठाना ही पड़ता है। दुष्टों का संहार करने से ही दुष्टता खत्म होती है। नहीं माँ, लड़ाई करने से कभी भी किसी मसले का हल नहीं निकलता। जान लेना अधर्म है, मुझे हथियार उठाने चाहिए या नहीं इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। अरे क्या हुआ? घबराओ मत दत्ता जी। क्या हुआ इसे बेटी? बहुत दर्द हो रहा है, फौरन अस्पताल लेके जाई पड़ी। दत्ता, सूर्यवंशी का क्षेत्र माँ एक औरत बच्चा को जन्म देने वाली है। क्या कह रहा था वो, हमारे खानदान में अगले 10 पुश्तों तक कोई लड़का तो का चूहा भी पैदा होने से डरेगा। तो जाओ तुम लोग जाकर उसे दिखाओ चंद्रवंशियों के क्रोध की धधकती हुई ज्वाला। काट डालो सबको। अरे जल्दी चला, अरे जल्दी चला भैया, इसका बहुत दर्द हो रहा है। चला, बड़ा आगे बढ़ा, बस थोड़ी देर और सहन कर ले बिटिया। अरे ये चलना कहाँ से आ गए? अरे चला बड़ा बड़ा, अरे जल्दी चला। प्रभु रक्षा करे भगवान।
बार पिताजी का आदेश नहीं सुना था क्या तूने? मार डाल बच्चे को। देख बच्चे, वापस जा। चुप बे बुड़बक। हम तो कहते हैं ही लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही उसूल है, पहले किसी पे हाथ मत उठाना, और अगर एक बार हाथ उठाया तो उसे छोड़ना मत। प्यार से कह रहा हूं, वापस चला जा, वरना मौत का तांडव देखेगा। इस वक्त मेरे दिल के अंदर प्यार है और मेरे दिमाग में सुकून भरा पड़ा है। अगर ये हट गया और मैंने तलवार उठा ली ना, तो तुम्हारी चिता जलाने के लिए भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ताकत तेरी? सांड कितना भी मोटा हो जाए हाथी नहीं बनता। से सुन, तूने एक और गलती की ना तो तेरी ये गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ए कुत्ते, ये देख लड़का, अभी का मार के दिखा। और उड़ रहा हमार रक्षा, एक बाप की औलाद है तो अब दिखा अपनी मर्दानगी। तेरी माँ ने सिर्फ नाम मर्द जने हैं नीच कही के। बिजनेस एम्पायर तुम्हारे नाम करता हूं, लोगों की भलाई के लिए तुम इसका जैसे चाहो इस्तेमाल करो बेटा। इस क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इको एक बच्चा मारने के वास्ते भेजे थे हम, पर ये तो खुद ही अपना सर मुंडवा लाया। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, हमारे लोग हमसे ही मरवा रहा है। जाने तो कुछ मत करो, जिंदा छोड़ दो इसको। सड़क पर बहुत कुत्ता घूमता है, ये भी उनके साथ मुंह मारता फिरेगा यहाँ वहाँ। जो हमरे काम नहीं आ सकता, हम उसे किसी काम का नहीं छोड़ते। चलो आगा। जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मेरा दिल लुढ़क पुढ़क करता है, समझाने पर मानता ही नहीं। तुम्हारा दिल भी लुढ़क पुढ़क करता है क्या? लुढ़क पुढ़क नहीं होती। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, जिसके दिल में मुझे देखकर लुढ़क पुढ़क नहीं होती, उसका चेकअप करना चाहिए। मैं चेक करूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम दूरी रहना, दूरी रहना। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं संध्या से ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? आप कहें तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने के लिए कुछ करूं? वैसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं नहीं, जैसी हो वैसी ठीक हो। सच सच बताइए कि मैं संध्या से ज्यादा सुंदर हूँ ना? और मेरी कमर उससे ज्यादा लचीली है ना? तुम्हारी तो जबान भी उससे तेज चलती है।
कहा? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो हमेशा चुप ही रहती हूँ, बस सिर्फ इतना ही पूछती हूँ कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, नहाने से पहले तेल से मालिश करते हो या नहीं करते हो, पीठ पर साबुन लगा सकते हो या नहीं, और सोते समय तकिया पकड़कर सोते हो क्या? मैं सपने में ज्यादा सुंदर दिखती हूँ या रियल में? सपने में मुझे छेड़ने की कोशिश करते हो या लल्लू की तरह भाग जाते हो? नींद में कुछ करते हो या बस खर्राटे ही लेते रहते हो? रात को कितनी बार टॉयलेट जाते हो? अगर मैंने आपसे इतनी छोटी सी बात पूछ ली तो क्या मेरी जबान तेज हो गई? शादी के बाद मैं जितना खुश रखूंगी कोई नहीं रख पाएगा। समझ गया। तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। बाप रे, ये तो गौन केस है। आधा प्यार करना था ना तुम्हें, आज पूरा कर लो, पूरा का पूरा। जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। वैसे हम सब लोग शहर जा रहे हैं, तैयार हो जा। आज हम पहली बार घर से बाहर निकले हैं, भाई की वजह से बाहर की दुनिया देख पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अचानक से हम शहर क्यों जा रहे हैं? दीदी की शादी का मुहूर्त निकल आया है, हम सब खरीदारी के लिए जा रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। अरे आप पागल हो गए क्या? कोई डाउट है क्या? शहर जाते वक्त हमारा घर रास्ते में पड़ता है, तो हम तुम्हें बिना खाना खिलाए यहाँ से कैसे जाने दे सकते हैं? अब ना मत कहना। चलो ना प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर बढ़ता हूँ। हाँ, ओके चलिए, बस अंदर जाएंगे, जलपान कीजिएगा और निकल जाइएगा। वैसे आपको किसने बताया हम शहर जा रहे हैं? अब तेरी तो इसने। ठीक है चलो। आइए आइए, पहले आपका स्वागत। ओए, हम आए या नहीं? हाँ हाँ, आपका भी स्वागत है, पर वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। देखना कैसे धूमधड़ाके से स्वागत होता है। हाँ, चलो देखते हैं। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलकम। तुझे तुम्हें देख लूंगा। अच्छा बहन बिपाशा, जरा मेहमानों के लिए पानी तो लेकर आओ। निकालिए ना जूते, पैर धो दे। अच्छा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम शादी करेंगे सिर्फ आपसे। अच्छा। ही करेंगे। संभाल के। सॉरी, ये क्या कर रही हो? बहुत धो दिया, अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ ठीक है, जाओ ना। अच्छा बहन करीना, आपकी एक और बहन है। मेहमान जरा गीले हो गए हैं, तौलिया लेके आओ फटाफट। मैं सिखा दूँगी। मैं खुद कर लूँगा। मैं बहुत अच्छे से घर संभालती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम सुखी हो जाओगे। बहन तुमने सुखा दिया, बहुत अच्छे से सुखा दिया, अब जाओ जाओ। आपने तो कहा था आपका कोई नहीं है। ये दोनों तो गांव के सरपंच की बेटियां हैं, जब से आपको लड़ते हुए देखा है इनके दिल में आपके लिए। अरे यार इस मुसीबत से बचा ले। अरे भाई सुनो, तुम्हें तो इतनी सारी लड़कियां कॉल करती है, हमें तो कोई एक मिस कॉल भी नहीं देता। चार चार लड़कियां तुम्हें कॉल करती है, चार सिम वाला मोबाइल ले ले भाई। ये तो ठीक बोल रहा है। एक बात सुनो, प्यार तो तुम्हारे दिल में बहुत है, थोड़ा थोड़ा सब में बांट दो। तुम्हें क्रिकेट टीम भी तो बनानी थी। हाँ बनानी है, तो क्या करूं? मैं तो कहता हूँ चारों से ही शादी कर लो, पता है इससे कितनी आसानी होगी। एक एक से चार चार बच्चे होंगे और किसी एक पर लोड भी नहीं पड़ेगा। भाई मैं तो बोलता हूँ जल्दी से जल्दी ये सब कर दो, IPL के टेंडर खुले हैं, हम अपनी टीम भी डाल सकते हैं। आ,
आओ आओ बैठो बैठो, अपने कोमल पैर ऐसे आराम से रखकर अंदर चलो। आप कहें तो इसे यहीं छोड़ दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आपके पास तो चार चार है, मेरे पास सिर्फ एक है, मेरा काम एक घंटे में हो जाएगा। बाय 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 बाय। जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। भाई, भाई, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, किसी को भी नहीं, एक एक को चुन चुन कर मारना, उनका नामो निशान मिटा देना। तुम्हें पता है यहाँ के लोगों के लिए तुम एक मसीहा हो, उनका विश्वास मत तोड़ना। भाई, उनका सर्वनाश कर देना। माफ करना। सूर्यवंशी खानदान का असली राजकुमार ही उनसे लड़ सका था। हम जानते हैं कि तुम असली राजकुमार नहीं हो, तुम्हारी वजह से बहुत अन लोगों की जान चली गई है, तुम जाओ यहां से। भैया जी, तो हार डर से तुम दबा के भाग गया साला। अरे हमार सामने तो अच्छा अच्छा की बैंड बज जाती तो उसाला का चीज है। ई साला तो यहीं बैठा है,
ना मुझे हथियार उठाने पर मजबूर मत कर। देखेगा कहा था ना मैंने, अब ऊपर वाला भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकता।
सूर्य, हमरा लोग मरे नहीं शहीद हुए, हम आखिरी सांस तक तोरे साथ हैं। ये लड़ाई मेरी है, आपका इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं। आज के बाद इस लड़ाई को मैं अकेला लड़ूंगा। इस राज्य का राजकुमार हूं मैं। आज से जो भी करना है वो मैं करूंगा। जाइए आप सब लोग। सुनिए मिस्टर राजकुमार, क्या हाल हैं? लगता है मजे में कट रही है। अब हमार महल में क्या लेने आए हो? शांत शांत, सब शांत हो जाओ, शांत। मैं यहाँ एक कमाल की बात बताने आया हूँ। ये आदमी जिसे तुम अपना राजकुमार समझ रहे हो, दिल्ली की सड़कों का एक अनाथ है। इस घर के बड़े लोग इसे गोद लेकर यहाँ लाए हैं। ये देखो फोटोज। अपने खुद के बेटे को भी कभी कोई गोद लेता है क्या? अब बोल, तू वाकई यहाँ का राजकुमार है? बोल साले। ए, हाथ हटाओ, छोड़ो इन्हें। मेरी कसम खाकर कहो कि ये झूठ बोल रहा है, तुम ही मेरे सगे भाई हो। मैडम, अब तो इसका गिरवान पकड़ लूं। चल साला। तू असली राजकुमार नहीं है तो जरूर तूने उसे मार दिया होगा। बोल, क्या किया तूने उसका? बोल साले। साल पहले जब हमारा बेटा पैदा हुआ था तब वो मरा हुआ था, ये उसे कैसे मार सकता है? हमने अपने सभी लोगों से बोल दिया था कि हमारा बेटा जिंदा है, 25 साल बाद वो आएगा। हम तो उसी दिन मर गए जिस दिन हमें मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था, फिर जिस दिन हमारे शत्रु ने भीख में हमें जीवन दान दिया था। 25 बरस बाद तेरा बेटवा हमसे लड़ने के लिए आएगा, यही बोल रहा था ना तू? मैं उससे मारूंगा तेरे सामने और तू उसका क्रियाकर्म करेगा। तब तक ना तो हम तुझे मारेंगे और ना ही खुद को मरने देंगे। अगर तूने खुद को मारने का सोचा ना तो तेरे बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। निकल। सब लोग यहाँ बाहर हर बरस हमारे बेटे का जन्मदिन मनाते रहे और हम वहाँ अंदर हर बरस उसका श्राद्ध मनाते रहे। हमने ये सोचकर आप सबसे झूठ बोला था कि एक दिन ईश्वर कोई मसीहा भेजेगा। भगवान ने इसे भेज दिया।
खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता, प्रजा का रक्षक ही सच्चा राजकुमार होता है। कौन कहता है ये तुम्हारा खून नहीं है? दामाद जी, यही तुम्हारा बेटा है। एक बाप के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखना। तुम बिल्कुल चिंता ना करो बेटी, देखना तुम्हें बेटा ही होगा। नहीं बाबा, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हो। इस लड़ाई ने हमें सिर्फ दो चीजें दी है, आंसू और दुख। अगर हमने बेटी को जन्म दिया तो वो राक्षस उसे भी नहीं छोड़ेगा। अब हम और दुख नहीं सह सकते। बेटी होगी तो हम उसे देखकर जी तो पाएंगे। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को ऐसा राजकुमार चाहिए था जिसे दुश्मन ना मार सके, बल्कि जो दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दे, जो मरने मारने में विश्वास ना करे बल्कि जियो और जीने दो में विश्वास करे। यहाँ का हर लड़का सिर्फ दो ही चीज सीखता है, मारो और मरो। जब तक उसे यह पता नहीं चलेगा जीवन क्या होता है, भूख क्या होती है, कठिन परिश्रम क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, एक परिवार क्या होता है, दुख क्या होता है, जीवन का असली मूल्य क्या होता है, ये मूल्य सिर्फ एक अनाथ ही समझ सकता है। शाही खून जब अनाथों जैसे पलता है तो वो संघर्ष की आग में तप के कुंदन बन जाता है। जिस लड़के को चांदी के प्लेट में खाना मिलना चाहिए था वो पत्थरों में खाना खाता रहा। जिस बच्चे को रेशमी बिस्तर में चैन से सोना चाहिए था वो फुटपाथ पर सोता रहा। ये सब देख कर हम खून के आंसू रोते रहे। आम आदमी भी जीवन में इतनी मुश्किल नहीं झेलता। तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली बलवान बनाने के लिए हमने ये सब किया, पर हमने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। इस लड़की को जानते हो ना तुम, इसको भी हमने भेजा था। हमें माफ कर देना बेटा, हमें माफ कर देना। चलो। तुमने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया, इन लोगों को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे को मार दिया, और तुम खुद रोज दिल दिल मरती भी रही। तेरी मां ने तेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। ये इतिहास 70 साल पुराना है, इसे बदल डालो। 25 साल तक हम सब लोगों ने इसका इंतजार किया है। इस गांव के हर इंसान ने जिसने अपना बेटा खोया है इस दिन का इंतजार किया है। ऐसा काम करना बेटा कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ ना जाए। हाँ, चंचन के सरस
सूर्या के लोगों के सामने ही उसका सिर काट के लाना। सूर्यवंश का कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सूर्यवंशियों का नामो निशान मिटा दो। आज सूर्यवंशियों के खून से होली खेलनी है तुम सबको। पिछले 25 सालों से तू सिर्फ मुझे मारने के लिए जी रहा है और मुझे बस अभी अभी पता चला है कि मेरा जन्म तेरा वध करने के लिए हुआ है। 25 साल से तू बदले की और मैं संघर्ष की आग में जी रहा हूं और आज ये आग तेरे घर आ गई है। आज मैं अपने परिवार और प्रजा के साथ आया हूं ताकि ये लोग याद रख सके कि तेरी लड़ाई का अंत कैसे हुआ। तुझे समझाया फिर भी तूने मुझे इस मौत के खेल में झोंक दिया। अब तेरा खेल खत्म। जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहां से भाग जाए। जो रुका मेरे हाथों मरेगा। आज के बाद सिर्फ सूर्य प्रताप का राज चलेगा। ए कलवा, जवाब दो। से किया जाता है पीछे से नहीं। मर्द है तो यहां वार कर। मार मार। आज समझा तू मौत का डर क्या होता है। मौत से डरने वाले को किसी की जान लेने का हक नहीं। चल निकल यहां से। पिताजी, मूंछों को ताव दीजिए, जांग पर थाप दीजिए, ललकारिए इन कायरों को। देखता हूं कौन माय कला रोकता है। अगर किसी में हिम्मत है तो सामने। Oh.
मुझे गुस्सा दिला दिया है। मैं तेरे इस खिलौने से नहीं डरने वाला, तेरे लिए मैं निहत्ता का हूं। बेटे पे तलवार चली तो काम क्या? दूसरों के बेटों को मारता है तब हाथ नहीं कांपता तेरा? तुझे लगता है तेरा बेटा इंसान है और इन लोगों के बच्चों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलता है तू? लड़ाई का नतीजा जीत या हार से तय होता है, बेगुनाह लोगों को मारने से नहीं होता। हॉस्पिटल ले जाए इसे और लड़ने लायक हो जाए तो बता देना, 10 घंटे बाद, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद, बस मुझे खबर कर दे, मैं तेरे घर में घुस के इसे मारूंगा। मेरी एक बात गांठ बांध ले, खून से लिखा जाने वाला इतिहास लोगों को सिर्फ दुख ही दे सकता है। मैंने यहां आकर तेरा इतिहास खत्म किया, अगर अब भी नहीं माना तो तेरा क्या हश्र होगा, सोच कर देख। 25 साल तक तूने इस पल का इंतजार किया था, 25 साल से इतने लोगों को इसलिए मारा था। लानत है तुझ पर, गरीबों को खाना खिलाता तो मरने के बाद वो तुझे याद करते, किसी बीमार को बचाता तो वो जिंदगी भर तुझे दुआएं देता, समाज की भलाई करता तो अनंत काल तक सब तेरी पूजा करते, यही यही जीवन का मूल्य है। जानता है आज तू मेरे सामने जिंदा क्यों खड़ा है? क्योंकि तुम मेरे बुजुर्ग हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जाओ, माफ किया तुम्हें। सत्तर बरस की उम्र में मैंने कई जीत देखी, हार देखी, मौत देखी, लेकिन जीवन में पहली बार इतना सच्चा इंसान देखा हूं। रावण से भी बड़े हमारे अहंकार को आज तुमने जीत लिया है और 25 साल के बदले की आग तुम आज बुझा दी हो। हम लोगों को मारने के लिए जिंदा हैं, तुम जिंदा रखने के लिए मरते हो। हमने जो भी किया वो एकदम गलत था, सिर्फ तुम ही सही थे। युद्ध बहुत सारे लड़ाके मिलकर लड़ते हैं पर उसे जीतता है सिर्फ एक योद्धा। तुम्हारा बेटा सच्चा योद्धा है, एक ऐसा सच्चा मसीहा है जो साहस और दया का मिसाल है। यह मसीहा यहां अकेला आया और यहां की सब समस्याओं और बुराई का डटकर मुकाबला किया।
एक सच्चे राजा की यही निशानी होता है। और बिना खौफ के लोग जिसका समर्थन करे वही एक सच्चा राजा होता है। हमारे क्षेत्र में ऐसे ही राजा का झंडा लहराना चाहिए, घर घर में लहराना चाहिए। यही हमारा राजा है। झंडा लहराओ इसका।